आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। दो भगवान को अपने सामने रूप ध्यान द्वारा खड़ा करके और रो करके उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है, बस वो सर्वज्ञ है। अंगूठा छाप, और जो जानने का अहंकार रखता है, मैं गीता पढ़ा है, मैंने भागवत पढ़ा है, गया बस तुम पढ़े रहो, अहंकार बस, तुम्हारे आंसू नहीं निकलेगा भगवान के आगे, और बिना आंसू निकले अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए, ध्यान दो, गुरु दीक्षा नहीं देगा। अजी आजकल तो गुरु तैयार रहता है कान फूंकने को, ये गुरु नहीं है, ये तो ऐसा गुरु है कि बैंक बैलेंस जीरो हो और चेक पर साइन कर दिया 1 करोड़ रुपया। अरे आप लोगों में से हो सकता है कुछ हमारे भाई चेले बने हो किसी के, उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप क्या दे रहे हैं मेरे कान में, तो कहेंगे मंत्र। कैसा मंत्र? भगवान का नाम का। तो क्यों गुरुजी, ये हम राम राम श्याम श्याम जो करते हैं ये मंत्र नहीं है? नहीं नहीं है, इसमें भगवान की शक्ति नहीं है, है लेकिन ये हमारे गुरु परंपरा से मंत्र है, इसमें बड़ी शक्ति है। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी हम जरा सा इलेक्ट्रिक सिटी में अपनी उंगली छुआ देते हैं तो हालत खराब हो जाती है, आप ये स्पिरिचुअल पावर वाला मंत्र जब हमारे कान में देंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद। अरे जब संसारी सुख हमको किसी गरीब को बड़ी चीज मिल जाती है तो नाचने लगता है खुशी में, और आपका तो दिव्यानंद है मंत्र में। हाँ दीजिए कान में, दिया, हाँ हमको तो कोई असर नहीं हुआ, आपने हमको 5 वर्ष की उम्र में मंत्र दिया था, तब तो हम कुछ अच्छे खासे थे, उसके बाद बड़े हुए, ब्याह हुआ, बीबी आई, बच्चे हुए, नाती हुए, पोते हुए, मर गए, ये कहाँ गया आपका मंत्र? तो तुम्हारा अंतःकरण खराब है, गंदा है। तो गुरुजी आपका दिमाग तो सही है, आपने क्यों दिया मंत्र? हमारा अंतःकरण देख लेते कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें हम मंत्र नहीं देंगे। कोई भी लॉ पढ़ने जाएगा तो ग्रेजुएट होगा तभी तो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो पढ़ेगा। तो अंतःकरण शुद्धि हो जाने के बाद गुरु दीक्षा देता है, ये नियम है। तब तक हम अपने मन से किसी को गुरु मान लें और उसकी बताई साधना करें प्रैक्टिकल, रोकर आंसू बहावें, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 जन्म में, 1000 जन्म में, तब गुरु दीक्षा देगा। आपने अपने घर में कोई तार की फिटिंग की नहीं, कहीं कोई तार नहीं, कहीं बल्ब नहीं, कहीं पंखा नहीं, और पावर हाउस से कहते हैं हमको कनेक्शन दे दो, पावर हाउस का आदमी आता है कहता है कहाँ दे दे, आपकी खोपड़ी में, पहले सब फिटिंग करो, पहले अंतःकरण को क्लीन शुद्ध करो, तब वो दिव्य प्रेम को सह सकते हो, इतना आनंद है उसमें, चूर चूर हो जाएगी, हड्डी के टुकड़े नहीं मिलेंगे अगर वो प्रेम दे दिया जाए तो, और कौन पागल देगा बिना पात्र बनाए। तो जब रोकर आंसू बहाकर साधना करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु दिव्य प्रेम देगा, उसी क्षण, उसी क्षण माया निवृत्ति,
भगवत प्राप्ति, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सब समाप्त।